भारत गौरव श्रद्धेय देवेंद्र भाई जी के मार्गदर्शन में क्वीन के प्रतिनिधि और हेरो के पुलिस कमांडेंट साइमन ओवेंस जी, अजय मारू लंदन के पूर्व मेयर और काउंसलर, महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री, राज के पुरोहित, इस्लाम धर्म की जानी मानी शख्सियत मुफ्ती मंजूर जियाजी जी, फिल्म अभिनेता जावेद जाफरी जी, भारत जैन महामंडल के अध्यक्ष श्री केसी जैन, तरुण जी काला, जिग्नेश हिरानी, आकाश पुरोहित, रमेश जी गजरा, गणपत कोठारी, सतीश तुराणा, प्रदीप जी गोधा और विभिन्न धर्मगुरुओं के पावन सानिध्य में भारत लंदन संस्कृति महोत्सव का आयोजन ब्लू सी वर्ली मुंबई में किया गया। इस कार्यक्रम में भारत लंदन संस्कृति के आदान प्रदान, दोनों देशों की संस्कृति और सभ्यता को और करीब लाने में सहायक भूमिका निभाई जा सके, इस पर विचार व्यक्त किए गए। जावेद जाफरी जी और इतने कम समय में इतने जल्द से आने वाले और अपनी बात को हमेशा लोगों तक अच्छी पहुंचाने वाले हमारे मुक्ति मंजूर जयी जी और जैन समाज के सुप्रसिद्ध श्री तरुण जी काला जी, श्री घनश्याम मोदी जी और मेरे बीच में आप सब बैठे प्रिय मानव, इस आयोजन का कार्यक्रम में छोटा सा भारत और लंदन संस्कृति महोत्सव का जो आयोजन किया गया है, ये कैसा महोत्सव था जिसमें कि भारत से आए महारानी क्वीन के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर साइमन ओवेंस अजय और लंदन के मेयर पूर्व मेयर मिस्टर अजय मारू जी और हमारे राज्य के पुरोहित जी, महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर और हमारे जैन समाज के अनेक दिग्गज हस्तियाँ और फिल्मी जगत से श्री जावेद जाफरी जी, अनेक लोगों ने इसमें शिरकत की और यही सब ने एक भाईचारा और एकता और भारतीय संस्कृति को जो उजागर करने का कार्य किया है, दोनों देशों की संस्कृति का जो कार्य किया है वो अपने आप में एक प्रयास था। इसका कितना परिणाम निकलता है वो आगे वक्त में हम सबके बीच में भाई जी, इस प्रयास के आगे जो ये अच्छा से ये मुहिम जो शुरू की हुई है तो इसके आगे मोटिव क्या है? ये मोटिव है कि हमारे दोनों देशों की संस्कृति है, पूर्व में हमारे देशों के साथ जो कुछ हुआ है, भारत और ब्रिटेन के साथ पूर्व में जो कुछ हुआ हो, लेकिन अब जो करना है वो हमें शांति और प्रेम एकता भाईचारे के माध्यम से करना है। दोनों देशों की संस्कृति अलग अलग भली से हो पर एक दूसरों के मन, एक दूसरों के जो भावना है वो एक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, जोधपुर से अहिंसा क्रांति और अवनी शाह की तरफ से मैं प्रशांत।